जिले के एकमात्र वाटर पार्क का अस्तित्व शुक्रवार को गोरखपुर विकास प्राधिकरण के बुलडोजर द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब इस स्थान पर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जाएगा, जो कि अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इस कन्वेंशन हॉल में नेशनल व इंटरनेशनल स्तर के कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन आदि का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया। देखिए, जो कन्वेंशन सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं गोरखपुर में, 5000 लोगों की कैपेसिटी का एक कन्वेंशन सेंटर हम यहाँ पे ले जा रहे हैं, जिसमें माइस एक्टिविटी जितनी होती हैं, जितने भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी इंसेंटिव होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, आप देखते होंगे कि समय समय पर बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की परियोजना पे काम करना शुरू किया था। हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और उसके लिए इस ज़मीन को जो है लेवल किया जा रहा है, जिसमें 25 एकड़ में लगभग हम अपना कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, तो उसी के लिए ज़मीन को तैयार किया जा रहा है। सर, आज कार्रवाई हो रही है, सर किनका वाटर पार्क था और किस सर कार्रवाई हो रही है? मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, वाटर पार्क की बात तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। बहुत पहले लीज भी जो है GDA की तरफ से खारिज की जा चुकी है और कब्जा भी जो है बहुत पहले ही हमको प्राप्त हम लोग कर चुके हैं। आज तो केवल कन्वेंशन सेंटर के लिए उस ज़मीन को लेवल किया जा रहा है। क्या सर GDA की तरफ से कोई वाटर पार्क गोरखपुर की जनता के लिए बनाया जाए? बिल्कुल, बहुत जल्दी जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं।
एक किड्स पार्क जिसमें सारे इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी जल्दी ही एक आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारा जो प्रेक्षागृह है, प्रेक्षागृह के पास में एक पार्क है जो वाटर बॉडी के पास में, उसके ऊपर में एक किड्स पार्क जो है बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें इस प्रकार के सारे स्पोर्ट्स को जो झूले वगैरह हैं इनका आनंद जो है गोरखपुर वासी जो है अपने बच्चों के हाथ ले सकते हैं।